पते, 19 मार्च को तुमने 40 आदमी 50 10 की बॉडीज कभी मिलेंगी नहीं। जो आया है वो जाएगा। Let's bring it on, fellas. इतने लंबे समय के बाद हमें सोनू सूद की एक मूवी देखने को मिलने वाली है और इस मूवी का नाम होने वाला है फतेह। जहाँ इससे पहले हमें सोनू सूद बॉलीवुड और साउथ में विलन के रोल में दिखाई दिए जाते थे, लेकिन अब की बार इस फिल्म में सोनू सूद एक मेन रोल में दिखाई देने वाले हैं। और वही बात करें इस फिल्म की कास्टिंग की, तो मेन रोल में तो हमें सोनू सूद देखने को मिलेंगे और इन्हीं के साथ साथ हमें बॉलीवुड के कॉमेडियन विजय राज भी देखने को मिलेंगे और इन्हीं के साथ साथ हमें बॉलीवुड की तरफ से और साउथ की तरफ से और भी कई बड़े सुपरस्टार देखने को मिलने वाले हैं। और वो सुपरस्टार कौन है अभी इसको लेकर के कोई फट की खबर तो नहीं मिली है। और वही बात करें इस फिल्म के हीरोइन के रोल की, तो इसे बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जैकलीन निभाने वाली है। और वही बात करें इस फिल्म के स्टोरी की, तो ये फिल्म एक गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। और अभी कुछ ही दिनों पहले इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिससे लोगों के काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हुए हैं और उसे देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड तैयार करेगी। और वही बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इसे सोनू सूद के डायरेक्शन में बनाया गया। और वही बात करें इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट काफी बड़ा होने वाला है। पहला इस फिल्म की कास्टिंग मिली है, दूसरा ये फिल्म एक गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, इसलिए इस फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ होने वाला है। और अब तो देखना तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि सोनू सूद इस फिल्म में एक्शन और डायरेक्शन किस तरह से निभाते हैं। और जिस तरह से फिल्म के टीजर में एक्शन दिखाया गया है, तो उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म में एक्शन काफी नेक्स्ट लेवल का दिखाया जाएगा। और वही बात करें इस फिल्म के रिलेटेड की, तो जैसे कि हमें टीजर में दिखाया गया ये फिल्म हमें इसी साल देखने को मिलने वाली है, लेकिन अभी तक के टीजर में ये नहीं बताया गया है कि ये फिल्म हमें कौन से महीने में देखने को मिलने वाली है। लेकिन खबरें आ रही है कि ये फिल्म हमें इसी साल 12 अप्रैल को सिनेमाज पर देखने को मिल जाएगी। है दोस्तों, अब तो देखना तो ये होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जब रिलीज होती है तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बनाती है। लेकिन जिस तरह से फिल्म के टीजर को प्यार मिला है, वैसे ही अगर फिल्म को भी मिलता है तो फिल्म एक अच्छी कमाई कर लेगी। है दोस्तों, अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बनाती है। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।